अश्वनी दीक्षित ब्लॉग्स की एक और नई वीडियो में आज आपका फिर से स्वागत है। और आज मैं आपके सामने लेके आया हूँ मैक्सिलिंक की एंड्रॉयड डिवाइस। भाई ये बहुत ही अच्छी डिवाइस है, कैसे अच्छी है ये भी मैं आपको इस वीडियो में दिखाऊंगा। और इसमें एक बहुत ही अच्छा फंक्शन है, वो फंक्शन भी मैं आपको दिखाऊंगा, सॉफ्टवेयर से रिलेटेड है वो। एक्चुअल में क्या होता है कि जो और अदर डिवाइस आपने देखे होंगे उनमें क्या होता है कि सॉफ्टवेयर जो अपडेट होता है वो ऑटोमेटिकली नहीं होता है, उसको आपको डिवाइस को या तो उसके सर्विस सेंटर पर ले जाना होगा या फिर उसका जो ऑथराइज जहां से आपने डिवाइस ली होगी वहां जाना होगा, वो उसको सॉफ्टवेयर को अपडेट करके देते हैं, जिसके वो कुछ चार्जेस भी आपसे ले लेते हैं कि भाई ये सॉफ्टवेयर मांग रहा है, सॉफ्टवेयर पुराना हो चुका है या उड़ चुका है या खराब हो गया, इस तरीके की वर्डिंग करेंगे और आपसे कुछ ना कुछ चार्जेस ले लेते हैं। लेकिन भाई बहुत अच्छी डिवाइस है, इस बारे में मैं आपको दिखाता हूँ कि ये ऑटोमेटिकली अपने आप हॉटस्पॉट से वाईफाई से देखिए यहाँ से कनेक्ट कीजिए और उसके बाद सॉफ्टवेयर अपडेट में आप जाएंगे, ऑटोमेटिकली सॉफ्टवेयर अपडेट हो जाता है। अपडेट होने के बाद डिवाइस की जो परफॉर्मेंस है वो भी बहुत बढ़िया हो जाती है। आइए मैं आगे इस वीडियो में दिखाता हूँ आपको पूरा प्रोसेस किस तरीके से इसका सॉफ्टवेयर अपडेट होता है। अगर वीडियो आपको अच्छी लगे लाइक करना, शेयर करना, आगे कमेंट करना, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। आइए वीडियो में आगे बने रहिएगा, आगे मैं दिखाता हूँ किस तरीके से इसको अपडेट करा जाता है सिस्टम को। ये मैं आपको दिखा देता हूँ, ये आप देख ही पा रहे होंगे मैक्सिलिंक की बैजिंग आपको दिखाई दे रही होगी। तो ये मैक्सिलिंक का जो स्टीरियो है इसमें मैं आपको अब लेकर चलता हूँ, जो इसकी सेटिंग्स होती हैं जो मैं आपको बता रहा था कि सॉफ्टवेयर होता है। एक ये ऐसा म्यूजिक सिस्टम है, और भी मैंने सिस्टम है जो उनके एक रिव्यू करके दिखा दूंगा, और भी मेरी गाड़ी में लगे हुए हैं। तो उसमें जो सॉफ्टवेयर है वो ऑटोमेटिक अपडेट नहीं होता, लेकिन जो इसमें ये फ्यूचर दे रखा है ये देख सकते हैं आप, यहाँ पर जैसे ही टच करेंगे अब ये देखिए ये यहाँ पर चेक करेगा कि अभी आया है कि नहीं, ये आप देख सकते हैं भाई सॉफ्टवेयर आया हुआ है, और देखो ये खुद ही उसको अपडेट करेगा। तो ये देखिए ये प्रोसेसिंग चालू हो गई, डाउनलोड प्रोसेस। तो कहने का मेरा मतलब यही है कि बहुत अच्छा ये यूनिट है, डिवाइस है, क्योंकि इसमें जो सॉफ्टवेयर है अपने आप ही अपडेट हो जाता है। लेकिन और जो डिवाइसेज हैं, जो एंड्रॉयड म्यूजिक सिस्टम कई सारे मार्केट में चल रहे हैं आज की डेट में, एक से एक बढ़िया भी है, एक से एक घटिया भी है, लेकिन ये एक ऐसी डिवाइस है जिसको मैं प्रेफर करता हूँ कि भाई ये रिकमेंडेड करता हूँ कि इस डिवाइस को हर कोई यूज़ करके देखे, बहुत अच्छी डिवाइस है। और मेरे को ये वाला फीचर इसका बहुत अच्छा लगा, जो ऑटो अपडेट सॉफ्टवेयर हो जाता है, क्योंकि और सिस्टमों में दिक्कत क्या आती है कि भाई ऑटो अपडेट सॉफ्टवेयर होता नहीं है, और ऑटो अपडेट नहीं होता फिर उसमें दिक्कतें आने लगती हैं, कभी वाईफाई कनेक्ट नहीं होगा, कभी उसमें कोई वीडियो नहीं चलेगी, कभी उसमें ब्लूटूथ से कनेक्टिविटी नहीं होगी, क्योंकि सॉफ्टवेयर कराना पड़ता है। फिर उसको सॉफ्टवेयर को अपडेट कराने के लिए आपको ऑथराइज सर्विस सेंटर पे जाना पड़ेगा उसका, या म्यूजिक सिस्टम खुल के जाएगा। जब म्यूजिक सिस्टम खुल के जाएगा तो फिर एक दो दिन के डिले हो ही जाना है, आप जानते ही हो इतनी जल्दी काम होके आते ही नहीं है। तो कहने का ये मतलब है कि 5-6 दिन विद इन वीक में वो अपडेट होके आएगा, फिर वो लगेगा, फिर चलेगा। कहने का मतलब ये है कि आपको बहुत ज़्यादा परेशानी आती है फिर, तो मैं इसलिए आपको ये दिखा रहा हूँ आज ये जो मैक्सिलिंक की डिवाइस। भाई ये डिवाइस बहुत अच्छी है, देखो सॉफ्टवेयर अपडेट हो रहा है, पूरा प्रोसेस भी इसका मैं आपको दिखाऊंगा कि अपडेट होने के बाद इंस्टॉल होगा, इंस्टॉल होने के बाद फिर ये मतलब अप टू डेट दिखा देगा कि भाई अब ये अप टू डेट है। तो आइए बने रहिएगा वीडियो को, इस तरह देखते रहिएगा और मैं आपको ये पूरा प्रोसेस दिखाता हूँ। भाई ये पूरा सॉफ्टवेयर प्रोसेस हो चुका है, अब देखो यहाँ अपडेट नाउ पे, ये एक लेटर है अपडेट, और ये अपडेट नाउ, मैं जैसे ही अपडेट नाउ करता हूँ इसको, या आप देख सकते हैं कि डिवाइस विल रीस्टार्ट। अब आप देखिए ये इस तरीके से जाएगा, अब अपडेट हो जाएगा ये प्रोसेस लास्ट फ्यू मिनट, ये देखिए ये अब हो गया प्रोसेस, ये सॉफ्टवेयर अपडेट होने लगा, डिवाइस ऑटोमेटिकली बंद हो गई है। उसमें दिखाया था कि भाई डिवाइस ऑटोमेटिकली बंद होगी फिर अपना आप स्टार्ट होगी, स्टार्ट हो चुकी है। और मैं दोबारा से फिर उस एप्लीकेशन में आपको लेकर चलूँगा, इधर आप देख सकते हैं इंस्टॉलिंग सिस्टम अपडेट, इसके बाद दोबारा सॉफ्टवेयर अपडेट में चलेंगे, वहाँ ये अप टू डेटेड दिखाएगा। तो भाई बहुत अच्छी ये डिवाइस है, बहुत साउंड भी, प्रोसेस भी इसका बहुत अच्छा है। लेकिन अभी मैं साउंड की परफॉर्मेंस की वीडियो में आगे आने वाले टाइम में दिखाऊंगा इसके, लेकिन अभी जो मैं आपको दिखा रहा हूँ बस इसी चीज़ को मैं आपको दिखाना चाह रहा था, जो इसमें ऑटो अपडेट सॉफ्टवेयर का जो सिस्टम है भाई बहुत बढ़िया है,
बहुत अच्छा है, नहीं तो आपको कहीं जाने की ज़रूरत है। ऑटोमेटिक आप अपने हॉटस्पॉट से मोबाइल से इसको कनेक्ट करिए वाईफाई से, वाईफाई से कनेक्ट करने के बाद बहुत ही बढ़िया तरीके से ये अपडेट हो जाएगा, आपको किसी भी तरीके की कोई भी परेशानी नहीं आएगी। और अपडेट होने के बाद फिर आप दोबारा से सॉफ्टवेयर अपडेट में जाएंगे तो ये सॉफ्टवेयर अप टू डेट दिखाएगा। तो बहुत अच्छी डिवाइस है, यही मैं आपको इस वीडियो के में दिखाना चाह रहा था कि भाई मैं आपको दिखा दूं कि किस तरीके की मैक्सिलिंक की डिवाइस है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं कि लोग उस पर मेड इन चाइना लिखा हुआ आ जाता है तो कहते हैं जी ये तो चाइनीज़ है। यार ऐसा कुछ भी नहीं है, कुछ चीज़ें चाइना से बन के आ रही होंगी, मेड बाय चाइना लिखने से वो सारी चीज़ें चाइना की नहीं हो जाती, क्योंकि ये कंपनी यहाँ पे जो इतना अच्छा प्रोसेस दे रही है, आप देखिए यहाँ का जैसे हाइपरसोनिक है, मैं किसी कंपनी को ख़राब नहीं बता रहा हूँ, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि उन कंपनियों को अगर वो ये इस वीडियो को देखें तो उनको भी इस प्रोसेस को अपनी डिवाइस में करना चाहिए कि सॉफ्टवेयर जो अपडेट है वो ऑटोमेटिकली होना चाहिए। ऐसा नहीं कि भाई डिवाइस आपके पास खुल के आए फिर आप उस सॉफ्टवेयर को डालो, उस सॉफ्टवेयर को अपडेट करने के आप 2,000-3,000 रुपये चार्ज करो कस्टमर से, इसलिए मैं इस चीज़ को कह रहा हूँ। अभी आप देख सकते हैं ये दोबारा से सिस्टम रीस्टार्ट हो गया है, सिस्टम को रीस्टार्ट हो जाने देते हैं। रीस्टार्ट हो जाने के बाद फिर इसको मैं आपको दिखाऊंगा कि सॉफ्टवेयर अपडेट में जाके वो अप टू डेट मिलेगा बिल्कुल किसी भी तरीके के उसमें दबा। हो सकता है कि मैंने बहुत दिन बाद सॉफ्टवेयर अपडेट करा है तो हो सकता है एक और अपडेट आ रहा हो, अदरवाइज इसी सॉफ्टवेयर से हो सकता है कि अप टू डेट हो जाए सिस्टम, तो वो अभी देख लेते हैं जैसे ही इसमें हम पहुंचेंगे। एक बार इसको ऑन हो जाने देते हैं, ऑन होने के बाद फिर उसको देखते हैं कि सॉफ्टवेयर जो अपडेट है वो और भी आया हुआ है कि इसी से ही अप टू डेट हो जाएगा सिस्टम। ये आ गए हैं, ये ऐप में चलते हैं, ऐप में चलने के बाद सेटिंग्स ये आप देख सकते हैं, ये दिखा रहा है दिस सिस्टम कॉन्फिगर फाइल हैज चेंज सम ऑफ देम वी टेक इफेक्ट आफ्टर रिस्टार्ट द मशीन। तो ये अभी रिस्टार्ट हुई है, इधर सिस्टम में चलते हैं। सिस्टम में चलने के बाद भाई अबाउट में जाने के बाद सॉफ्टवेयर अपडेट भाई चेक करके देख लेते हैं। भाई ये देखो बिल्कुल करंट वर्जन इज द लेटेस्ट वर्जन, तो कहने का मतलब ये है कि भाई सिस्टम खुद ऑटोमेटिकली अपडेट हो चुका है। वीडियो आपको कैसे लगी जरूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। अगर अश्विनी दीक्षित ब्लॉग्स को आपने लाइक सब्सक्राइब और या लाइक नहीं किया तो उसको सब्सक्राइब जरूर कर ले, जिससे अश्विनी दीक्षित ब्लॉग्स की आने वाली वीडियो आपको टाइम टाइम पर मिलती रहे। आपको पता ही होगा कि हम अपने चैनल पर कार मॉडिफिकेशन से जुड़ी सारी वीडियो लेके आते रहते हैं, कोई चीज़ गाड़ी में लगानी चाहिए नहीं लगानी चाहिए, रिकमेंडेड है नहीं है, वो सारी वीडियो आपके पास हम लाते रहते हैं, तो ये जरूर देख लीजिएगा आप। तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और अश्विनी दीक्षित ब्लॉग्स को उसी तरह अपना प्यार देते